विजुअल बनाते रहे। यहाँ पे अभी आज लेके 4-5 घंटे हो गए। पुलिस वाले चुपचाप बैठे हुए हैं। उनको मैंने पूछा कि आपने हमको ऑर्डर क्यों नहीं दिया। अगर आप बोल रहे हो कि दूसरा अगर गुना दाखिल होता है तो ऑर्डर दी जाती है कि आपके नाम से गुना दाखिल है, तो पुलिस चुप बैठी, नोटिस नहीं भेजा है, कुछ नहीं भेजा है। और मैंने उनको बोला कि आप व्हाट्सअप कॉल करके योगेश भोईर को बुला रहे हो, अगर आपको बुलाना ही था उनको स्टेटमेंट के लिए तो आपको आप एक लेटर तो देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए कोर्ट से कि आपको स्टेटमेंट में आना है। ये पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो पूरा दबाव में है, कोई कुछ पुलिस नहीं बोल रही है, कुछ पुलिस कुछ नहीं बोल रही है। ये ऊपर से सब उनको प्रेशर आ रहा है। और अभी मैं अभी के अभी तुरंत नागपुर जाने वाली हूँ और वहाँ पे जाके उनको पूछने वाली हूँ कि ऐसा सब आपका राजनीति चलता है क्या? अरेस्ट किया है क्या उन्होंने? उनको अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन पुलिस स्टेशन ने उनको भिजा के रखा है। बेकायदेशीरपणे इन लीगल से उनको अंदर बिठाया गया है और वो कुछ बोल ही नहीं रही है। इतने सारे पुलिस है, 200 पुलिस अंदर है, लेकिन एक ही पुलिस कुछ नहीं बोल रहा है। ये क्या चल रहा है? अभी ये पुलिस को मैं भी दिखाऊंगी कि ऊपर नागपुर अधिवेशन अभी चालू है और मैं सबको मिलके मैं सबको बताने वाली हूँ कि ये सब क्या है। गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में बताएं क्यों किया गया? पुलिस जो है, पुलिस तंत्र पूरा राजकीय दबाव में काम कर रही है। योगेश भोईर जी जो है एक बड़े शिवसेना नेता और माजी नगर सेवक हैं। वो माननीय सत्र न्यायालय द्वारा जमानत याचिका मंजूर होने के पश्चात क्राइम ब्रांच यूनिट 12 में सुबह भी गए थे जो है स्टेटमेंट देने के लिए और जो ऑर्डर होता है उसको कंप्लायंस करने के लिए माननीय न्यायालय माननीय सत्र न्यायालय के आदेश की आदेश के उपरांत जो औपचारिकता होता है उसकी पूर्ति करने के लिए गए थे। लेकिन वहां पर जो है पुलिस संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया गया कि आप शाम को चार बजे आइए। 4 बजे माननीय योगेश भोईर जी, उनकी पत्नी नगर सेविका श्रीमती माधुरी योगेश भोईर जी और हमारे वरिष्ठ वकील सुरेंद्र लांडगे साहब के साथ में जो है औपचारिकता पूरी करने के जयवंत पाटिल जी के साथ में वहाँ पे गया। वहाँ पे संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि आप लोग बाहर रुकिए, कुछ नहीं है, सिर्फ हम स्टेटमेंट लेंगे, आधे घंटे में जो भी औपचारिकता पूरी करके योगेश भोईर जी बाहर आएंगे, फिर आप लोग जो है। लेकिन उनको वो इन मतलब अवैधानिक तरीके से उनको निरुद्ध करके उन्होंने रखा कस्टडी में, अब मतलब पुलिस कस्ट आप उनको बोल सकते हैं कि पुलिस हिरासत में लेके रखा यूनिट 11 में। 2 घंटे के पश्चात उन्होंने बोला कि वहाँ पर पुलिस उपायुक्त साहब के सामने स्टेटमेंट या कुछ भी औपचारिकता पूरी करनी, इसलिए कांदीवली के क्राइम ब्रांच गुन्हे प्रकटीकरण शाखा क्रमांक 11 में लेके चल रहे हैं। फिर माननीय योगेश भोईर जी के साथ हम माननीय सत्र न्यायालय के जो है आदेश के अनुपालन हेतु यहाँ पे आए क्राइम ब्रांच यूनिट 11 में। यहाँ पर भी जो है हमारे वरिष्ठ वकील और जो है नगर सेविका श्रीमती माधुरी योगेश भोईर जी को बाहर ही रोक दिया गया और बोला गया कि हम पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है और भारत के नागरिक के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है।